एक व्यक्ति के साथ गुंडागर्दी कर उसे जबरन पैसे लूटने का मामला अंबाजरी पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया था, जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गजानन कल्याणकर ने अधिक जानकारी साझा की। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को फिरियादी नरेंद्र ठाकरी ही घूमने गए थे, जिस दरमियान 4 अज्ञात आरोपी आए और उन्हें रोककर जबरन उनसे उनका मोबाइल और नगद 1500 रुपए छीनकर फरार हो गए। इस संदर्भ में फिरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने तहकीकात शुरू की, जिसके तहत पुलिस ने 4 आरोपियों और उनके एक साथी को गिरफ्तार कर उनसे उक्त मुद्देमाल वापस लिया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गजानन कल्याणकर ने अधिक जानकारी साझा की। काल पोलीस स्टेशन अंबाझरी हद्दीमध्ये अंबाझरी तलावच्या रॅम्पवर फिर्यादी नरेंद्र ठाकरे हे फिरण्यासाठी गेले होते। त्या दरम्यान तिथे 4 अनोळखी मुलांनी त्यांना अडवून त्यांच्याकडे मोबाईल व 1500 रुपये रोख असा मुद्देमाल जबरीने चोरून नेला। त्या संदर्भात पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलीस स्टेशन अंबाझरी तसेच पोलीस स्टेशन आरपी नगर येथील तपास पथकांनी संयुक्त शोध मोहीम राबवून आरोपी गुन्ह्यातील आरोपी निष्पन्न करून या गुन्ह्यामध्ये 5 आरोपींना ताब्यात घेतलेला आहे। घटनास्थळावरील 4 आरोपी व त्यांचा एक साथीदार अशा 5 आरोपींना ताब्यात घेतलेला आहे। त्यामध्ये आरोपी नामे मंथन दाबने, अनिकेत शेंडे, हिमांशु जंगले, दिनेश तोडसाम आणि मोहित पंचेश्वर असे 5 आरोपी ताब्यात घेतलेले आहेत। त्यांना अटक करून गुन्ह्यातील मुद्देमाल हस्तगत करण्याच्या दृष्टीने तपास सुरू आहे। यातील सर्व आरोपी हे अभिलेखावरील गुन्हेगार आहेत। त्यांच्याविरुद्ध जबरी चोरी तसेच दुखापतीचे गुन्हे दाखल आहेत। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मंथन वाबने, अनिकेत शेंडी, हिमांशु जंगली, दिनेश और मोहित पंचेश्वर को गिरफ्तार किया और पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज, नागपुर।